बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। इसके बाद मैं अति आदर के साथ अपने प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी से करबद्ध निवेदन करूंगी कि अपने आशीर्वचनों से हमें अनुग्रहित करें। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। काकोरी ट्रेन एक्शन समारोह के आज के मुख्य अतिथि प्रदेश की माननीय राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, आज के समारोह में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष और विधान परिषद के माननीय सदस्य श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मेरे वरिष्ठ सहयोगीगण, वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री श्री सुरेश कुमार खन्ना जी, नगर विकास के मंत्री श्री आशुतोष टंडन जी, जल शक्ति मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, विधायी एवं न्याय विभाग के मंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी, पर्यटन एवं संस्कृति विभाग के मंत्री डॉक्टर नीलकंठ तिवाड़ी जी, माननीय विधायक श्रीमती जय देवी जी, आज के समारोह में उपस्थित क्रांतिकारियों और शहीद परिवारों से जुड़े हुए सभी, उनके परिवार के सभी सम्मानित सदस्यगण, सैनिक कल्याण बोर्ड से जुड़े हुए हमारे अधिकारीगण, पुलिस और प्रशासन से जुड़े हुए हमारे सभी वरिष्ठ अधिकारी और उपस्थित भाइयों बहनों, आज पूरा प्रदेश काकोरी ट्रेन एक्शन के 97वीं वर्षगांठ को पूरे प्रदेश के अंदर आयोजित करके देश की स्वाधीनता के लिए अपने आप को बलिदान करने वाले उन सभी अमर हुतात्माओं के प्रति विनम्र श्रद्धांजलि का आयोजन प्रत्येक जनपद में संपन्न हो रहा है। मैं इस अवसर पर भारत माता के उन सभी महान सपूतों को, जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपने आप को बलिदान किया, जिन्होंने स्वतंत्र भारत में देश के विभिन्न युद्धों में देश की आंतरिक और बाह्य दोनों सुरक्षाओं के मोर्चे पर पूरी मजबूती के साथ डट करके भारत माता के एक एक इंच जमीन की रक्षा करके पूरे देश को एक सुरक्षित माहौल दिया है, उन सभी अमर बलिदानियों के प्रति, अमर शहीदों के प्रति कोटि कोटि नमन करते हुए विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। हम सब जानते हैं कि हम लोगों ने 4 फरवरी 2021 को गोरखपुर से चोरी चोरा कांड के शताब्दी समारोह का शुभारंभ किया था और उस समय आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन पूरे देश को आजादी के आंदोलन में योगदान देने वाले उन सभी शहीदों के प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव व्यक्त करने, 2022 में जब ये देश अपनी आजादी का अमृत महोत्सव आयोजित कर रहा होगा उस समय की एक कार्य योजना उपलब्ध कराई थी। उत्तर प्रदेश के अंदर चोरी चोरा की घटना के साथ ही आजादी के अमृत महोत्सव का जो भव्य आयोजन प्रधानमंत्री मोदी जी ने साबरमती आश्रम से प्रारंभ किया था, 12 मार्च को 2021 से प्रारंभ यह आयोजन अमृत महोत्सव के उन 75 सप्ताहों तक चलने वाले
वह एक आयोजन है जो भारत को अमृत महोत्सव का मतलब आजादी का अमृत महोत्सव यानी आजादी की ऊर्जा का अमृत, आजादी का अमृत महोत्सव यानी स्वाधीनता सेनानियों से प्रेरणा का अमृत, आजादी का अमृत महोत्सव यानी नए विचारों का अमृत, नए संकल्पों का अमृत, आजादी का अमृत महोत्सव यानी आत्मनिर्भरता का अमृत। इन पंच सूत्रों के माध्यम से पांच प्रमुख मंत्र इस देश को अमृत महोत्सव के इस अवसर पर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने उपलब्ध कराए। ये पांच संकल्प भारत की आजादी के अमृत महोत्सव के इस आयोजन के अवसर पर उसी की एक नई कड़ी के रूप में काकोरी ट्रेन एक्शन का एक कार्यक्रम यह समारोह आज यहां पर आयोजित हो रहा है। हम सब जानते हैं कि ब्रिटिश हुकूमत ने इस देश के स्वाधीनता संग्राम सेनानियों, इस देश के क्रांतिकारियों के साथ किस किस प्रकार का अत्याचार किया था। काकोरी ट्रेन एक्शन के मामले में कहा जाता है कि जो क्रांतिकारियों ने अपने स्वाधीनता आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए यहां पर जिस घटना को अंजाम दिया था उसमें उनके हाथ केवल लगे थे 4600 रुपये, लेकिन अंग्रेजों ने देश के क्रांतिकारियों को और इस पूरे कार्यक्रम के साथ जुड़े हुए उन क्रांतिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने, मुकदमे चलाने, उन्हें फांसी पर लटकाने तक जो धनराशि खर्च की थी उस समय 10 लाख रुपए खर्च किए थे। यानी एक क्रूरता की एक नई कहानी को हम सबके सामने प्रस्तुत करता है, हम सबकी आंखों को खोलने वाला है और जो हमें हमेशा इस बात का एहसास कराता है कि देश की स्वाधीनता से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता है और हर हाल में हर भारतीय का यह दायित्व बनता है कि हम अपने देश की इस आजादी को हर हाल में सुरक्षित रखें। देश का आजादी का यह अमृत महोत्सव का कार्यक्रम हम सबको इस नई प्रेरणा के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहा है। काकोरी ट्रेन एक्शन के समय हम सब जानते हैं पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में क्रांतिकारियों की जिस टीम ने इस घटना को यहां पर देश के क्रांति आंदोलन को आगे बढ़ाने का एक नई कार्यक्रम को आगे बढ़ाया था, वह पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, ठाकुर रोशन सिंह, चंद्रशेखर आजाद, असफा उल्ला खां, राजेंद्र नाथ लाहड़ी जैसे महान क्रांतिकारियों के एक समूह ने देश की क्रांति की यह ज्वाला बुझने न पाए, बंद न होने पाए, इसलिए इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्य किया था। देश अंग्रेजी हुकूमत के सामने कभी झुका नहीं। अलग अलग देश के कोनों में अलग अलग समय में अलग अलग प्रकार के कार्यक्रम होते रहे, लेकिन सामूहिक रूप से 1857 का देश का प्रथम स्वातंत्र समर जिसमें झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने, जिसमें मंगल पांडे ने, जिसमें मेरठ के क्रांतिकारियों ने देश के अलग अलग स्थानों पर क्रांति की जिस लौ को आगे बढ़ाया था, चोरी चोरा की घटना उसकी अगली कड़ी थी और चोरी चोरा की घटना के बाद काकोरी ट्रेन एक्शन उसी कड़ी को एक नई मजबूती देते हुए ब्रिटिश हुकूमत की जड़ों को भारत के अंदर हिलाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया था और इसलिए क्रूर ब्रिटिश हुकूमत ने उस समय इन सभी क्रांतिकारियों को बड़ी यातनाएं दी। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को
गोरखपुर जेल में ले जाया गया, वहां उन्हें फांसी की सजा दी गई। ठाकुर रोशन सिंह को, रामप्रसाद बिस्मिल को, अस्काउल्लाह खां को, राजेंद्रनाथ लाहिड़ी को, करमसा, गोंडा, फैजाबाद और इलाहाबाद की जेलों में उन्हें फांसी दी गई। चंद्रशेखर आजाद ब्रिटिश हुकूमत के हाथों नहीं पड़े थे और अंतिम दम तक लड़ते हुए उन्होंने शहादत प्राप्त की थी। यह कहानी हम सबको, आजादी की लड़ाई और आजादी की कहानी हम सबको इस बात के लिए प्रेरित करती है कि अगर हमने अपनी आजादी को सुरक्षित रखने में कहीं भी कोई कोताही बरती तो वह इसी प्रकार की यातना लेकर के वह गलतियां हम सबको और आने वाली पीढ़ी को इन्हीं यातनाओं का शिकार बनाती है। और भाइयों बहनों, जब देश अपनी आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम के साथ जुड़ा हुआ है, हम सबका दायित्व बनता है। 1857 का प्रथम स्वातंत्र समारोह या उसके उपरांत तमाम क्रांतिकारी गतिविधियों के वे घटनाएं जो देश के स्वाधीनता आंदोलन में अमित अक्षरों में, स्वर्ण अक्षरों में जिनको लिखा जाता है, जिनके प्रति सम्मान का भाव प्रत्येक भारतीय रखता है, ये घटनाएं हम सबको इस बात का एहसास कराती हैं कि वास्तव में हर जाति और इस देश के हर समुदाय ने देश के स्वाधीनता के आंदोलन में बढ़ चढ़ करके भाग लिया था। बढ़ चढ़ करके भाग लेने का मतलब जब पूरा भारत एक स्वर में बोलता है, जब भारत अपने व्यक्तिगत स्वार्थों से ऊपर उठ करके भारत का प्रत्येक नागरिक एक साथ चलता है, तो दुनिया के अंदर एक बड़ी ताकत बनकर के उभरता है। और यह ताकत आजादी के अमृत महोत्सव के इस आयोजन के अवसर पर हम सबको दिखाने की आवश्यकता है, दुनिया को इस बात का एहसास कराने की आवश्यकता है कि 136 करोड़ की आबादी का यह भारत किसी भी प्रकार के जाति, मत, मजहब, क्षेत्र, भाषा या किसी भी प्रकार के अन्य भेदों से ऊपर उठ करके केवल अपने एक धर्म के साथ जुड़ा है और वह हमारा राष्ट्र धर्म, और उस राष्ट्र धर्म के साथ जुड़ करके हम सब भारत की स्वाधीनता को छूने बनाए रखने के साथ साथ आत्मनिर्भर भारत की इस परिकल्पना को साकार करने के लिए हर भारतीय अगर अपने अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना प्रारंभ कर दे, अपने अपने फील्ड में किसी को अतिरिक्त कार्य किए जाने की आवश्यकता नहीं, जिसका जो दायित्व है वह अपने दायित्व का निर्वहन प्रारंभ कर दे, तो कोई कारण नहीं कि भारत दुनिया की एक महाताकत के रूप में, महाशक्ति के रूप में दुनिया के सामने उभरेगा, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। आज के इस अवसर पर मैं क्रांतिकारी और शहीद परिवारों से जुड़े हुए जितने भी सदस्यगण आए हैं, उन सब का आज के इस कार्यक्रम में हृदय से यहां पर सम्मान करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। काकोरी पेन एक्शन से जुड़े हुए जितने भी हमारे क्रांतिकारी हैं, उन सभी क्रांतिकारी परिवार, उन क्रांतिकारियों के प्रति, भारत माता के उन सभी अमर शहीदों के प्रति कोटि सा नमन करते हुए, विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए अमृत महोत्सव के कार्यक्रम को पूरी भव्यता के साथ हरेक स्तर पर हरेक संगठन और संस्थाएं संपन्न करेंगे, इस विश्वास के साथ इस पूरे आयोजन के प्रति आप सब ने जो प्रतिबद्धता दिखाई है, इसके लिए आप सबको भी मैं अमृत महोत्सव की हृदय से बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत आभार। धन्यवाद माननीय। तो फिलहाल ये तस्वीरें आप देख रहे थे, सीएम योगी आदित्यनाथ को आप देख रहे थे, और उनकी तरफ से कहा गया किस तरीके से अत्याचार यहाँ पर स्वतंत्रता सेनानियों पर किया गया, देश अंग्रेजी हुकूमत के आगे लेकिन कभी झुकी नहीं, और आज इसीलिए उन वीर सपूतों को याद किया जा रहा है, स्वतंत्रता संग्राम जो शहीद थे उनके परिजनों को सम्मानित किया जा रहा है। तो क्रांतिकारियों के अत्याचार की बात यहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कही, और काकोरी कांड पर यह खास कार्यक्रम आज रखा गया है।
शहीदों को नमन किया जा रहा है, याद किया जा रहा है, उनके परिजनों को सम्मानित किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, प्रदेश के वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री श्री सुरेश खन्ना जी, कानून एवं न्याय मंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी, नगर विकास मंत्री श्री आशुतोष टंडन जी, सिंचाई एवं जलशक्ति मंत्री श्री महेंद्र सिंह जी, संस्कृति एवं पर्यटन राज्य मंत्री डॉक्टर नीलकंठ तिवारी जी, विधान परिषद के सदस्य और प्रदेश के अध्यक्ष श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, विधायिका बहन श्री श्रीमती जय देवी जी, शहीद परिवारों के उपस्थित सभी परिवारजनों और उपस्थित सभी नागरिक भाई और बहनों, आप सबको मैं पहले नमन करती हूँ। मेरे लिए ये बहुत ही हर्ष का विषय है मित्रों, ये ऐतिहासिक घटना के साक्षी बनना ये मेरे लिए एक यादगार मेरे जीवन का ये प्रसंग बना रहेगा, क्योंकि हम जब छोटे थे तब पाठ्यक्रम में ये सब पढ़ते थे, काकोरी ट्रेन घटना, चौरी चौरा की घटना, लेकिन कभी ऐसे स्थान जो पवित्र स्थान था, ऐतिहासिक घटनाएं वहाँ हुई थी और देश की आज़ादी के लिए छोटे छोटे हमारे युवकों ने 20 साल 25 साल की जिसकी उम्र रहती थी, ऐसे कई वीरों ने अपनी शहीदी दी है।